Today, I am going to tell about muscles. The muscular tissue, KC, the pyelagon bioplas. KC उतक जिन्हें पेशियों के नाम से भी जाना जाता है, कारण ये जो है बहुकोशिकी जंतु, ऐसे जंतु बहुकोशिकी, तो बहुकोशिकी जंतुओं में जो गमन होता है और अंगों की गति, गमन एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना और अंग गति, तो ये सब जो होते हैं इसके लिए शरीर में सफेद एवं लाल से ऊतक पाए जाते हैं। जो सफेद और लाल से ऊतक पाए जाते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, पेशी ऊतक के नाम से जाना जाता है। और इनमें पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को पेशी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। और ये जो ऊतक होते हैं पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यूज होते हैं या भ्रूण के बीच वाले भाग से मीसोडर्म कहते हैं, इन्हीं से विकसित होते हैं। तीन प्रकार होती है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। तो बीच का वाला जो भाग होता है मीसोडर्म से ही जो है इस प्रकार के ऊतक का विकास होता है। पेशी ऊतक जिन कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें पेशी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं लंबी होती हैं, सक्रिय होती हैं, बेलनाकार होती हैं और तर्कवृत्त होती हैं। और इन कोशिकाओं को पेशी तंतु या मसल फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है। आकुंचनशीलता, कंट्रैक्टिलिटी इनका प्रमुख लक्षण होता है पेशी कोशिकाओं को। और देखा जाए लक्षण के आधार पर तीन भागों में पेशी ऊतक को बांटा गया है, एक रेखित पेशियां स्ट्राइटेड मसल, दूसरा अरेखित या अनरेखित पेशियां अनस्ट्राइटेड मसल, और तीसरा जो है फिर पेशियां कार्डियक मसल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आज हम रेखित पेशियों के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे, डिटेल में कल जो है अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो रेखित पेशियां होती हैं ये अधिकतर कहाँ पाई जाती है, हमारे ऐच्छिक अंगों में जैसे हाथ है, अपने इच्छा अनुसार हिलाया कर सकते हैं, पाएगा या शरीर के अन्य भाग जो है अंग जो हम अपने इच्छा अनुसार हिलाया कर सकते हैं, तो ऐसे अंगों को ऐच्छिक अंग कहते हैं। पाई जाने वाली पेशियों को ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ये किन किसमें पाए जाते हैं, ऐच्छिक अंगों में पाया जाता है, इसलिए इनको ऐच्छिक पेशियां वॉलंटरी मसल्स के नाम से जाना जाता है। तो रेखित पेशियों को ऐच्छिक पेशियां या वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। दूसरा, इनके दोनों सिरे जो होते हैं ऐच्छिक पेशियों के, ये हड्डियों से जुड़े होते हैं, कंकाल से जुड़े होते हैं, इसलिए इनको हड्डियों से इनका नाम जोड़ दिया गया, कंकाल में हड्डी होती है, तो कंकाली ऊतक या इसे स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि गति एवं गमन हड्डियां ना होती तो गति एवं गमन ना हो सकता, गति एवं गमन नीचे कारण होती है, इसलिए इसे कंकाली या स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये दैहिक अंग में पाए जाते हैं, हाथ पैर सब क्या है ऐसी की जो अंग है ये दैहिक, क्योंकि ये जन्म में भाग नहीं लेते, जो जन्म में भाग लेते हैं उन्हें जनन अंग के नाम से जाना जाता है। ये दैहिक अंगों में पाए जाते हैं, इसलिए दैहिक या सोमैटिक मसल्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। एक और इनका नाम है प्रावस्थात्मक पेशियां, रेखित पेशियों का अगला नाम फेसिक टाइप ऑफ मसल्स के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अंगों में द्रुतगामी रैपिड गति, तेजी से गति और संक्षिप्त कुछ समय के लिए गतियां उत्पन्न करती हैं, ब्रीफ गति उत्पन्न करती है, इसलिए प्रावस्थात्मक पेशियों के नाम से भी जाना जाता है। इस पेशियों के कई नाम है, रेखित पेशियां, ऐच्छिक पेशियां, कंकाली पेशियां, दैहिक पेशियां और प्रावस्थात्मक पेशियां, कई नामों से ये जाने जाते हैं अपने संरचना के आधार पर। और ये पेशियों के बारे में डिटेल जो अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। आज तो 11th की क्लास में आज के वीडियो में बस।